जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के बारे में। अच्छा, आज इस पे बात क्यों हो रही है? बात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी आपको पता है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में इन दिनों लोअर सर्किट लगा हुआ है। और लोअर सर्किट लगने का क्या मतलब होता है कि प्राइस नीचे की तरफ जाने लगता है। अभी कुछ दिन पहले तक जहां इस स्टॉक में खूब तेजी देखने को मिली थी, प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, सभी लोग खुश थे। और हमारे देश में होता ऐसा है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगता है लोग तब बाई करते हैं, ये नहीं कि जब प्राइस नीचे आया हो, जब डाउन हो तब बाई करें, जब प्राइस ऊपर जाने लगता है तब बाई करते हैं। और यही तो होता है दिक्कत, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका होता है और ये चूंकि पेनी स्टॉक है तो बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कि बहुत समय तक लगातार तेजी बनी रहेगी, जैसे अच्छे एंड क्वालिटी स्टॉक्स में होता है, जो बड़े स्टॉक्स होते हैं इसमें तेजी आती है थोड़े समय के लिए आती है, और वो उन लोगों के लिए आती है जो लोग डिप्स पे बाई करके बैठे हुए होते हैं, उनको प्रॉफिट कराने के लिए आती है। खासकर ये डिप्स पे कौन लोग होते हैं? जो समझदार लोग होते हैं, जो कह सकते हैं बड़े लोग होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो लोग डिप्स पे बाई करके बैठे होते हैं। लेकिन जो रिटेल निवेशक होते हैं खासकर, वो एकदम ऊपर लेवल पर जाकर बाई करते हैं और यहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि यहीं से प्राइस नीचे आने लगता है। तो खैर, अभी समझेंगे हम लोग कि इस स्टॉक में जो अब गिरावट आने लगी है उसके पीछे की वजह को जानेंगे, और यह भी जानेंगे कि ये गिरावट कब तक चलेगा, और ताकि जो लोग अभी ऊपरी लेवल पर बाई करके फंसे हुए उनको राहत मिल सके, और किसी के पहले से इन्वेस्टमेंट है और उन लोगों ने यदि प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया तो उनको क्या करने की आवश्यकता है। जब आप बीस इंडिया की वेबसाइट पर इस स्टॉक को देखते हैं, एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी को, तो आप पाएंगे कि ये स्टॉक अब ESMSS 2 की श्रेणी में आ गया है। सामान्यतः जब कोई पेनी स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ जा रहा हो, शेयर प्राइस में तेजी आ रही है, तो शायद ही वो ESMSS 2 या 3 कैटेगरी में आता है। लेकिन यदि कोई भी पेनी स्टॉक जब थोड़ा सा भी उसमें डाउनफॉल आता है, प्राइस नीचे आने लगता है, तो सेवी जानबूझ के उस स्टॉक को ESM की श्रेणी में डाल देती है। अब ESM में आने के बाद क्या होगा कि उस एक तो इसमें लोअर सर्किट लग ही जाएगा, लोअर सर्किट लगा ही है, और दूसरी बात लोअर सर्किट नहीं भी रहे तब भी इसको बेचने में दिक्कत आएगी। अब जो लोग ऊपर लेवल बाई करके बैठे हुए हैं वो एकदम बेचैन होंगे इसको बेचने के लिए और बेच नहीं पा रहे होंगे। हालांकि ये गलत बात है, यदि आपको जांच पड़ताल करनी, सामान्यतः तो कोई स्टॉक ESM या GSM की श्रेणी में तभी से भी डालता है जब उसको जांच पड़ताल करनी होती है कि आखिर इतनी तेजी से इसमें गिरावट क्यों आ रही, गिरावट के पीछे की वजह क्या है। सबको पता है गिरावट के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि ऑपरेटर्स ने इसको प्राइस को बढ़ाया, ऊपर लेके गया और ऊपर उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो यहां से फिर बेचना शुरू कर दिया, जिस वजह से इसमें गिरावट आएगी। तो ये आपको पता है, मेरे समझ में ये नहीं आता कि सेबी को क्या हो गया है, सेबी किस हिसाब से स्टेप्स उठा रहा है, ये क्या सच में रिटेल निवेशक के लिए सोच रहा है कि नहीं, मुझको कभी कभी इस पे डाउट होता है। तो अभी आपको करना क्या है कि ESMSS 2 तो खैर जब हटेगा तब हटेगा, आप अगर बेचना चाहते हैं तो मैं आपको चार्ट पर लेवल दिखा रहा हूँ कहाँ पे बेचना है और बेचने का आवश्यकता है भी कि नहीं, हम लोग एकदम सब बातों को चार्ट पर बारीकी से समझेंगे। देखिए, एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड जो कंपनी है ना, इसका काम नाम काफी बढ़िया है। बेसिकली ये IT इनेबल्ड सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ में BPO की भी सर्विस देती है। BPO से अच्छा खासा जितने भी IT कंपनियां होती है ना, सब BPO की सर्विस देती हैं, यानी कॉल सेंटर की सर्विस देती हैं। तो यदि मान लीजिए IT का जो धंधा है अगर मंदा भी चलता है, तो BPO सर्विस से मोटी कमाई होती है किसी भी कंपनी की जो BPO सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कमाई तो इस कंपनी की समय समय पर होती ही रहेगी, जिससे हर क्वार्टर का जो नंबर आएगा उसमें आप देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी की अर्निंग बढ़ी है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी क्या हाल है, और जब ऐसा बिजनेस जिसमें कंपनी की लगातार कमाई हो रही हो और उसके ग्रो होने के चांसेस हो, तो लॉन्ग टर्म में वो आपको प्रॉफिटेबल ही होगा, शॉर्ट टर्म में भले उसमें कितना भी गिरावट आ जाए। और मार्केट कैप भी देखेंगे तो तकरीबन 100 करोड़ के आसपास पहुंचने ही वाला था, लेकिन अब इसमें लोअर सर्किट लग गया, कोई बात नहीं, फिर दोबारा पहुंच जाएगा। और एक बार कंपनी 100 करोड़ में आ गई तो उसको सेफ जोन में हम लोग मानते हैं कि कंपनी सेफ जोन में आ गई, अब इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यह भी देखेंगे तो आपको पॉजिटिव में दिखाई देगा, माइनस में नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने, काम बढ़िया है, कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं इस स्टॉक में, तो आपको घबराना नहीं है। अब देखिए, स्टॉक का पी अभी भी काफी महंगा है। पी महंगा होने का मतलब होता है कि बहुत से लोग इस स्टॉक के शेयर को बाई करना चाहते हैं, इसकी डिमांड बढ़ गई, जिससे कंपनी का पी बढ़ जाता है। और हाई पी पे जब आप बाई करते हैं तो दिक्कत यही होता है कि प्राइस उसके बाद उसको नीचे आना होता है। अब देखिए, यहाँ पे आप एक खेले चार्ट पर देखेंगे कि पहले ये स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में था। यहाँ देखिए, ये 60 पैसा से लेके 50 पैसा के रेंज को आप देखेंगे तो क्या कर रहा था, स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ था। अब इससे ऊपर निकला, जाहिर सी बात है जब इस रेंज से बाहर निकलेगा तो ब्रेकआउट ही होगा, जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ कि सब रेंज से बाहर निकलने में ब्रेकआउट ही होता है। तो जो लोग इस ब्रेकआउट पे बाई किए होंगे या जो लोग ये बात समझते हैं कि रेंज से बाहर निकलने में प्राइस ऊपर जाता है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिए होंगे, पहले भी कर लिए होंगे, बाहर निकला अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट होने के बाद लोगों ने बेच के निकल गया। अब निकलने के बाद जब बहुत से लोग अचानक से किसी कंपनी के शेयर को बेचने लगते हैं तो उसमें लोअर सर्किट लगना लाजिम होता है। लोअर सर्किट लगा, प्राइस नीचे आ गया, अब जो लोग फंस गए उनको क्या करना है कि उनको वेट करना है। अब ये प्राइस क्या करेगा कि 60 पैसा से लेकर 70 पैसा के बीच में समय बिताएगा, और इसमें समय बिताने के बाद फिर प्राइस ऊपर निकलेगा। तो जब ऊपर निकलेगा तो आप प्रॉफिट में बेच दीजिएगा, अभी नुकसान में बेचने की आवश्यकता नहीं है।
बहुत ज्यादा काम का पैसा लगा दें, इमरजेंसी फंड लगा दें तो आप बेच के निकल सकते हैं, वरना यदि समय है तो आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि प्राइस को ये 60 पैसा के नीचे आने की संभावना बहुत कम है, 60 पैसा के ऊपर ही कुछ दिनों तक इसमें समय बिताएगा और फिर इसमें से ऊपर निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ अभी आप जो लोग हाल फिलहाल में बाई किए होंगे उनको क्या करना समझ में आ गई होगी, और जिसके पास पहले से शेयर है, जो लोग इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास बाई करके बैठे हुए हैं, वो चाहे तो आधा क्वांटिटी बेच सकते हैं और आधा क्वांटिटी को अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपनी काफी बढ़िया। जब कंपनी के आप क्वार्टर्स के नंबर देखते हैं तो आप पाएंगे कि कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर हालांकि मार्च क्वार्टर रिजल्ट में थोड़े से अच्छे नहीं आए थे, ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि मार्च क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद ही कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आई है, क्योंकि कंपनी का काम यदि बढ़िया है और कंपनी अच्छे से मैनेजमेंट उसका जो है काम कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में आपको कमा के देगा ही देगा। कंपनी देखिए अभी भी आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में, कंपनी का नेट प्रॉफिट 17 लाख के आसपास है, कंपनी घाटे में नहीं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो जो कंपनी घाटे में नहीं, जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल बढ़िया है और जिस कंपनी का मैनेजमेंट फंडामेंटल हर एक चीज बढ़िया है, उसमें आपको दाम लगाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड के बारे में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।